हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी आज फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे 5 मिनट में अपनी काली गर्दन को बिल्कुल गोरा कर सकते हैं, साफ सुथरा बना सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले, हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है एक क्लीन बॉल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यूज करना है व्हाइट टूथपेस्ट का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ व्हाइट टूथपेस्ट ही लेना है, और कोई आप टूथपेस्ट ले सकते हैं, पर याद रखें वो व्हाइट ही होना चाहिए। मैं यूज कर रही हूँ कोलगेट का, हम लेते हैं थोड़ी सी व्हाइट टूथपेस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, थर्ड चीज हम इसमें ऐड करेंगे कॉफी पाउडर। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 स्पून सॉल्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए है 1/2 लेमन। आपको लेमन इस मिक्सचर के अंदर डिप करना है, और अपनी गर्दन के ऊपर आपको इसे ऐसे मसाज देनी है, जैसे मैं आपको अपनी हैंड के ऊपर मसाज करके दिखा रही हूँ, आपको अपनी नेक के ऊपर मसाज देनी है। बीच बीच में फ्रेंड्स आपको लेमन को स्क्विच करते रहना है, उसका रस निकालते रहना है, और आपको अपनी गर्दन के ऊपर 10 से 15 मिनट तक मसाज देनी है, जैसे मैं आपको अपने हाथ के ऊपर मसाज दे के दिखा रही हूँ। मसाज देने के 10 से 15 मिनट बाद आपको फ्रेंड्स आपको अपनी गर्दन को ठंडे पानी से वॉश करना है। आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, बट आपको गर्म पानी नहीं लेना है, ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से आपको अपनी गर्दन को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फ्रेंड्स आप खुद देखेंगे कि आपकी गर्दन एक ही बारी में कितनी साफ हो चुकी है। अगर आपकी गर्दन ज्यादा काली है तो आपको 2 से 3 बार इस रेमेडी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी गर्दन नॉर्मल है, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ब्लैकनेस दिखाई देती है, तो एक ही बार अप्लाई करने से आपकी गर्दन बिल्कुल साफ सुथरी गोरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।